दोस्तों, हेल्दी और खूबसूरत बालों के लिए शैम्पू का इस्तेमाल भी जरूरी है। शैम्पू बालों से गंदगी, तेल आदि चीजों को साफ करता है। हर समस्या के लिए अलग अलग शैम्पू बाजार में उपलब्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेचुरल चीजों को शैम्पू में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो बालों की खूबसूरती और बढ़ जाती है। ऐसा करने से आपके बालों से जुड़ी कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। और आज हम आपको बता रही हैं एक अनोखी तरकीब जिसकी मदद से आप बालों को खूबसूरत, मुलायम और चमकदार बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर एक, शैम्पू से बाल धोने पर सिर्फ ऊपरी गंदगी साफ होती है। स्कैल्प की अच्छी तरह सफाई करने के लिए अपने शैम्पू में चीनी मिलाकर सिर पर अच्छी तरह मसाज करें। इससे स्कैल्प तो साफ होगा ही, साथ ही बाल भी चमकदार बनेगा। नंबर दो, अगर आपके बाल बेजान और रूखे दिखने लगे हैं तो शैम्पू में 2 बड़े चम्मच गुलाब जल मिलाकर बालों को धोए। इससे सिर से आने वाली बदबू भी दूर होगी। नंबर तीन, शैम्पू में एलोवेरा जेल मिलाकर बालों को धोया जाए तो इससे बाल चमकदार और मुलायम बनते हैं और इसके साथ ये डैंड्रफ की परेशानी भी दूर होगी। नंबर तीन, अगर आप डैंड्रफ से परेशान हैं तो शैम्पू में 2 चम्मच नींबू का रस मिलाए फिर बालों को धोए। इससे खुजली और डैंड्रफ दोनों से राहत मिलती है और साथ ही इससे ऑयली बालों की दिक्कत भी दूर होगी। नंबर पाँच, बाल अगर ज़्यादा जड़ रहे हैं तो 2 बड़े चम्मच आंवला का रस शैम्पू में मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे बाल मजबूत होने के साथ लंबे भी होंगे। अगर आपके बाल पतले हैं तो भी इसके इस्तेमाल से फायदा पहुँचेगा। शैम्पू में जब भी आप कुछ मिलाकर इस्तेमाल करें तो इससे बालों में कुछ देर मसाज करने के बाद 2 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद पानी से धो ले। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं।